है एवरीवन, जोहार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग गुड हेल्थ के साथ अपना लाइफ को ढेर सारा एंजॉय कर रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं अपना लाइफ में। तो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ, हम लोग टूर गए ऑल ऑफ ए सडन, हम लोग का प्लान बना। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चलिए आगे आगे देखते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी जल्दी पैकिंग की हूँ और ये टूर पे हम लोग जा रहे हैं। खूब सारे मस्ती करने वाले हैं बट बहुत कम दिन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं हम लोग। ओनली 2 डेज़ का टूर है और ट्रैवलिंग के लिए हम लोग 2 डेज़ रखे हैं, तो टोटल 4 डेज़ का हम लोग का ट्रिप है। और हमारे यहाँ हम लोग रहते हैं राउरकेला में, उड़ीसा का एक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है ये राउरकेला, और यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। सो हम लोगों को एयरपोर्ट तक जाने के लिए आइदर झारसुगुड़ा, रांची और भुवनेश्वर, ये तीनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना था। सो हम लोगों ने रांची सिलेक्ट किया है इस बार, तो अभी हम ट्रेन में बैठ के रांची एयरपोर्ट जा रहे हैं। सो ट्रिप का स्टार्टिंग में ही हमें धोखा मिल गया, मतलब कैब वाले ने धोखा दे दिया, वो हमें अंदर तक नहीं लाया, उसका और एक बुकिंग था। सो वो रास्ते में ही छोड़ के चले गया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। बोलो बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए, गेट नंबर 1 हमारा है, एयर एशिया हमारा प्लेन है, आया नहीं है, आएगा अभी, आने वाले हैं हम लोग। कितना बजे है? 12 बजे, 2 बजे, मतलब हम लोग का अभी 2 घंटा है हाथ। हाथों को बार बार धोना या साफ करना चाहिए। नियमित रूप से मास्क न पहने रखना नियामक दिशा निर्देशों के अनुसार एकदम। Please place all large items in the overhead compartments. Any small items like laptop bags or handbags. सो ये किया फ्लाइट टेक ऑफ, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा आसमान की ओर। सो ये हम पहुंच गए बादल के पास, और अभी बादल के पास से फिर बादल को चीरते हुए बादल के ऊपर भी जाएंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए आसमान का नज़ारा मेरे इस ब्लॉग में। और जिन्होंने फ्लाइट पर सफ़र किया है उन्हें तो पता ही है, बट जिन्होंने नहीं किया है सो उन्हीं के लिए मैं ये थोड़ा सा क्लिप दिखा दे रही हूँ। अभी देखिए बादल नीचे है और हम बहुत ऊपर हैं, लगभग 50,000 फीट ऊपर है शायद। और अभी देखिए सूरज के एकदम नज़दीक है, और हमें टिफ़िन भी दिया गया था हमारा, ये मैं ऐड था ये, तो टिफ़िन कर रहे हैं हम लोग फ्लाइट में। उसके बाद बस 2 घंटा का सफ़र है रांची से दिल्ली, उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट में और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते रहिए। सो ये मिल गया फ्लाइट को रनवे, और अभी लैंडिंग करने का टाइम है। और ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, मतलब इतना बड़ा कि मैं क्या बोलूं। और
चलिए थोड़ा सा व्यू मैं दिखा देती हूँ एयरपोर्ट का, दिल्ली एयरपोर्ट का। तो आप उधर से चलता तो अच्छा होगा मेरे साथ। बच्चे लोगों को सेल्फी ने मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये मेरा भाई आ गया, बहू आ गई। चलो चलो, कहाँ चलना है? कुछ नहीं, इतना ही है। ये मेरा दिल्ली वाला गोलू पोलू भाई है और ये नई बहू है। पिछले साल ही इनका अप्रैल में शादी हुआ, मैं शादी में अटेंड नहीं कर पाई। सो हम लोग 2017 के बाद आज मिल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट में। और वो बेचारा मतलब मेट्रो पकड़ के 2 बजे से निकला हुआ है और हम 4:30-5 बजे एयरपोर्ट में उनसे मिल रहे हैं। तो थैंक यू भाई मेरे लिए इतना टाइम देने के लिए इतना गर्मी में। सो लव यू एंड थैंक यू। हेमराज दिल्ली वाला गोलू, उसको किक नहीं मिल रहा है, किक नहीं मिल रहा उसको। उठा दो फोटो, फोटो उठाएगा। सेलिब्रिटी पानते को खान दो को पानते नाम को हम चे सो आफ्टर मीटिंग हम फिर एयरपोर्ट में घुस गए अंदर। और हम लोगों का लेओवर फ्लाइट था, मतलब एयर एशिया ही, वो डायरेक्ट नहीं था गोवा के लिए। सो हम लोग गोवा जा रहे हैं अपना 4 दिन का हॉलीडे मनाने। तो मैं बता दे रही हूँ, तो हम लोगों को दिल्ली में 5 घंटा होल्डिंग करना था। उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट हमारा 8:15 को है, 8:15 से 10:45 तक शायद। हाँ, 2.5 घंटे का है गोवा तक का। तो फिर हम लोग किनके साथ ये मतलब ट्रिप एंजॉय करने वाले हैं वो गोवा एयरपोर्ट में ही आपको पता चलेगा। तो चलिए बने रहिए आगे। दी सो ये हम जा रहे हैं अपना गेट की ओर और अभी हम गोवा का फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। सो नाइट का व्यू भी थोड़ा सा आसमान से मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बस अब हम 2.5 घंटे के बाद गोवा पहुँचने ही वाले हैं। हम लोग अभी पहुंच गए गोवा एयरपोर्ट, बाकी पार्टी सब आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हेलो, बाकी पार्टी कहाँ? बाकी पार्टी कहाँ? हम लोग का लगेज पार हो गया था। लगेज क्या हो गया था? हम लोग का एक्सचेंज हो गया था। एक्सचेंज हो गया था, मतलब और कोई लेके चलेगा तो सर मना उन्हें भी दिया। बट इतना बड़ा छोटा पकड़ बड़ा पकड़ हो गया, पार हो गया मुझे। कहाँ और तो ना ये तो हार हो गया। हाँ, ये तो वो दीदी का रिएक्शन क्या रहता है? हाँ तो कौन बोला नहीं जानता है। दीदी को तो मैं देख रहा हूँ।
चलो नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी, बात तो हम ये पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट से, हम अभी निकले, अभी 12 बज गया है रात का। अभी कैलंगुट बीच हम जा रहे हैं, वहां तक जाने में एक घंटा लग जाएगा। हम बहुत ही रेस्टलेस हो गए हैं, अभी वहां जाकर के डिनर करना है, उसके बाद सोना है, फिर कल सुबह आपसे मिलते हैं। तो बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, मेरा अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, यहीं पर रुकती हूँ, बाय।